बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की ताकत क्या है? नमाज की ताकत ये है ना कि जो आदमी नमाजी होगा उसका दिमाग पुरसकून होगा, जो आदमी नमाजी होगा उस पर जल्दबाजी गालिब नहीं होगी। ज़्यादा तालीम और ज़्यादा पैसा, इससे खुशी नहीं आती। ज़्यादा जो खुशी आती है तो दीन में सुकून है और खुशी है, तो इसको लोग बोलते हैं समझते नहीं कि इसका क्या मतलब है। दीन में सुकून है, बड़ा सुकून है, तो लोग ये समझते हैं कि दीन में हम आएंगे तो हम मालदार बन जाएंगे, कारोबार सेट हो जाएगा। ये नहीं है। जब आप दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर चलेंगे, कुरान हदीस को समझना भी है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सुकून मिलेगा। और सुकून का माना है रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी होना, ये सुकून है। जो अल्लाह ने मुझे दिए मैं खुश, आप खुश। जहाँ पैसा और तालीम ज़्यादा है, रशिया, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, जापान, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, कनाडा, टोक्यो में 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 500, वहाँ ख़ुदकशियाँ क्यों ज़्यादा है? उधर पैसा और तालीम तो ज़्यादा है। गुज़िश्ता सालों में टॉप 10 चाइना के एक आदमी ने ख़ुदकशी कर ली। भाई क्यों ख़ुदकशी कर ली? इसलिए कि उसने डायरी में लिखा था कि माली परेशानियों की वजह से मैंने ख़ुदकशी कर ली, माली परेशानियों की वजह से। तो माल तो था, तो सुकून अल्लाह ने दीन में रखा है। और नमाज की ताकत सुकून है, सुकून। जो नमाज नहीं होगा उसको सुकून मिल जाए, नहीं हो सकता। बाकी इस पर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है नमाज के मौजू पर, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह को हमारी बात की ज़रूरत नहीं है। भाई लोग कहते हैं अल्लाह को क्या ज़रूरत है, तुझे किसने बताया कि अल्लाह को ज़रूरत है? ये तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। मन शाह फल यूमिन व मन शाह फल यकफुर, अल्लाह फरमाता है काफिर बन जाओ, मोमिन बन जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा नमाज पढ़ो, 5 वक्त पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, सही तरीके से वज़ू करो और शौक़ से पढ़ो और डर डर के पढ़ो और खुशू से पढ़ो और इसमें सुस्ती न करो। अपनी औलाद को नमाज पढ़ो, घर वालों को नमाज पढ़ो। जिस घर में 5 वक्त नमाज होगा, ढोल ढमक के नहीं होंगे, कुरान खुलेगा, इंशाअल्लाह उस घर में सुकून हो। अल्लाह मुझे और आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाया।